जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची में चौंकाया था, वैसा ही कुछ आगे भी होने के आसार बने हुए हैं। बीजेपी आलाकमान पहले ही 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ने का आदेश दे चुका है। अब खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अंदर खाने खबर यह भी है कि यशोधरा ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की टीम के कुछ और मंत्रियों के टिकट भी अधर में हैं। कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और कुछ के खिलाफ उनके ही क्षेत्र में नाराजगी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल आ रहे हैं चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात में उनका फोकस डैमेज कंट्रोल का रहने वाला है। अब तक उनकी पार्टी ने 3 विधायकों के टिकट काटे हैं। सीधी में केदारनाथ शुक्ला, नरसिंहपुर में जालम सिंह और मेहर से नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया गया। इनमें से शुक्ला और त्रिपाठी ने खुलकर पार्टी के फैसले का विरोध किया है। भाजपा ने जालम सिंह के भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है, इस वजह से उनकी प्रतिक्रिया जरूर संयत आई है। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 से उम्मीदवार बनाया तो पहले उन्होंने हैरानी जताई, फिर उनके समर्थक उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका में भोपाल पहुंच गए। और इन परिस्थितियों में भाजपा की अगली सूची में जब 40% विधायकों के टिकट कटेंगे तो स्थिति और खराब हो सकती है। और अमित शाह के दौरे का फोकस भी डैमेज कंट्रोल का ही रहने वाला है। वो स्पष्ट शब्दों में कहने वाले हैं कि विरोध को किसी भी हालत में उठने नहीं देना है। देखिए, सूत्रों की माने तो कई मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। कुछ के खिलाफ क्षेत्र की जनता नाराज है, वहीं कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोप हैं। कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी टिकट की दौड़ में हैं। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के आधार पर मंत्रियों के टिकट काट कर उनके किसी रिश्तेदार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी को डर सता रहा है कि अगर टिकट कटने के बाद ऐसे मंत्रियों या विधायकों को संतुष्ट नहीं किया गया तो बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शाह का 1 अक्टूबर का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ दिन पहले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। चर्चा यह है कि उन्हें डर था कि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी के बजाय उनकी सीट से टिकट मांग रही हैं और इस वजह से उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी ही बदल ली। हालांकि अब यशोधरा के चुनाव लड़ने पर संशय है। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, पोहरी से सुरेश धाकड़, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह के टिकट कट सकते हैं। ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खिलावन, मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव के चुनाव लड़ने पर भी संशय बना हुआ है और इनमें से कुछ के प्रति तो जनता में नाराजगी है, तो वहीं कुछ नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। आने वाले समय में इनके टिकट पर जमी धुंध भी छट जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।